मैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्र, मैं फिर एक बार हूं आपके सामने और आज हम बात करेंगे आज की पर्यावरणीय जो परिस्थिति है उस पे। आप सबको पता है कि इस समय हम कोरोना की महामारी से पूरी दुनिया एक तरह से दुविधा में है, क्या होगा। ये बहुत ही उचित समय है हमें सोचने का कि हम क्या सही कर रहे थे और क्या गलत कर रहे थे। जरा नजर डालिए आदमी के उन एक्शंस पे, उन क्रियाकलापों पे जिसके कारण आज पृथ्वी की ये स्थिति है। हमारी सारी प्रमुख नदियां या तो सूख गई हैं या एक तरह से मल जल और अवजल के स्रोत हो गए हैं। हमारा ग्राउंड वाटर भी लगभग सूख चला है, हर साल नीचे चला जाता है। सॉलिड वेस्ट की प्रॉब्लम आप सबके सामने है, शहर कचरा के भंडार हो गए हैं और दिल्ली और मुंबई जैसे महानगर तो जैसे लगता है वहां कचरों के पहाड़ों की श्रृंखला बन गई है। वायु की स्थिति आप सोच ही सकते हैं, जो इतने ज्यादा ऑटोमोबाइल्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनके कारण हमारा पूरा वायुमंडल प्रदूषित हो चुका है। लॉकडाउन के इस 2 महीने में ही हमने देखा कि जब हमने अपनी एक्टिविटीज बंद की तो कितना फायदा हुआ और पर्यावरण ने एक तरह से रिजुवनेशन किया, यहां तक कि आर्कटिक के ऊपर का ओजोन लेयर भी रिपेयर हुआ। तो ये समय है कि हम बैठे सोचें कि क्या विकास की ये सही अवधारणा है। अब इसको समझने के लिए मैं आपसे 3 प्रश्न करता हूं और तीनों प्रश्न का चूंकि इंटरेक्शन है नहीं, उत्तर भी मैं दूंगा, समय सीमित है इसलिए थोड़ा जल्दी बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्या कभी आपने सोचा है कि कोई भी स्वस्थ पुरुष या महिला दिन भर में कितने का ऑक्सीजन यूज करता है? दूसरा क्वेश्चन है, क्या आपको पता है कि केवल 2 करोड़ लोगों के भोजन या अनाज कह लें वो अकेले केवल चूहे खा जाते हैं एक शहर में जिसका नाम है मुंबई। 2 करोड़ लोगों का अनाज केवल चूहे खा जाते हैं और वो किसान जिसको हम बेचारा कहते हैं और जो कोई नहीं बनना चाहता, वो इतना गरीब होता है, वो इतना अन्न उपजा ले रहा है कि 135 करोड़ का ये देश सबके खाने के लिए यहां पर जाता है। लेकिन हम इंजीनियर्स और डॉक्टर्स जो क्लेम करते हैं कि हम समाज चलाते हैं, आज तक इंजीनियर्स एक सस्ता स्टोर नहीं बना पाए और आप जानते ही हैं कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम में कितना अनाज चले जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, क्या आपको पता तो है ही लेकिन क्या आपने रियलाइज किया है एक कुआं और बोरवेल में क्या फर्क? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर अगर आप जान जाएंगे तो कम से कम आपके अंदर वो सोच विकसित होगी कि हमारे किस एक्शन से पर्यावरण का प्रदूषण बढ़ रहा है और हम क्या करें जिससे सतत विकास की अवधारणा को बल मिले, अर्थात विकास भी हो लेकिन विनाश न हो। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था, क्या आपको पता है कि एक स्वस्थ पुरुष या महिला एक दिन में कितने का ऑक्सीजन यूज करते हैं? हम आपको बता दें कि जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो जितनी भी हवा अंदर जाती है उसका 15% आप समझ लीजिए 20% ऑक्सीजन होता है जो कि एयर में होता है। लेकिन जब एक्सेल करते हैं तो उस जो हमारी प्रदूषित हवा जो निकलती है उसमें 15% ऑक्सीजन होता है। कहने का मतलब एक बार में हम 5% ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो पूरे दिन में एक स्वस्थ पुरुष या महिला 550 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं जीने के लिए। और हमने कभी सोचा कि यार ये कितने का आता होगा? हॉस्पिटल में मिलने वाला जो पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर है जो 3.5 लीटर का होता है उसका दाम होता है अगर आप पता करेंगे तो 6,500। अगर हम उसे कैलकुलेट करें तो एक पुरुष या महिला एक दिन में 13 लाख का ऑक्सीजन यूज करता है। आप सोचिए अगर कभी इसे खरीदना पड़ा तो। आप बहुत पैसा कमा रहे होंगे लेकिन क्या सोचते हैं कि आप अपने परिवार के लिए ऑक्सीजन खरीद सकते हैं? इसका सबसे सरल उपाय क्या है? हमने विकास में, चाहे हमने राजमार्ग बनाए, चाहे हमने इंडस्ट्रीज बनाई, चाहे हमने कॉलोनी बनाई, सबसे आसान लगता है पेड़ों को काट देना। और अगर हम कैलकुलेट करें तो एक साधारण स्वस्थ पेड़ साल भर में 24 लाख का उसकी यूटिलिटी वैल्यू होती है। लेकिन वो पेड़ जो सबसे आसानी से उगते हैं, जैसे पीपल हुआ, बरगद हुआ, नीम हुआ, वो तो हमारे लिए प्राण वायु है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर विकास होना है तो प्रकृति को साथ लेके चलना पड़ेगा और हम सबको जिंदगी में कम से कम 5 पेड़ लगाने का व्रत लेना चाहिए जिसमें कम से कम 1 पीपल हो और 1 नीम हो और कम से कम 1 कोई ऐसे फल का पेड़ हो जैसे बैरी हो जिससे हमारे पशु पक्षी उसे खा के जी सके। दूसरा क्वेश्चन था, क्या आपको पता है कि मुंबई जैसे नगर में अकेले 2 करोड़ लोगों का अनाज चूहे खा जाता है?
उस पर क्वेश्चन पड़ता बनता है कि आपको पता है कि एक स्वस्थ पुरुष या महिला दिन भर में कितना अनाज खाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 270 ग्राम अनाज एक स्वस्थ पुरुष या महिला खाता है या खाती है, जबकि एक चूहा जिसका काम केवल खाना है वो दिन भर में 90 ग्राम अनाज खाता है। तो मैं बहुत आनंद में और मजाक के स्वर में कहता हूं कि जब किसी आदमी को लगे उसकी औकात बहुत बड़ी है तो उसे ये कैलकुलेशन कर लेना चाहिए, 90 ग्राम एक चूहा खाता है, 270 ग्राम तुम खाते हो, तो एक आदमी बराबर 3 चूहे। तो आप सोच लीजिए कि बंबई में 6 करोड़ चूहे हैं और 2 करोड़ों का अनाज खाते हैं। आप पूछ सकते हैं कि आप ये डाटा कहां से लाए। तो ये महाराष्ट्र में विधानसभा में एक बार ये हल्ला हुआ कि वहां पर चूहों को मारने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है, और ये न्यूज में आया तो मैंने इसे कोरिलेट किया आदमी के मानसिकता से। तो हमें बेहतर डिजाइन करने होंगे स्टोरेज, और हमें किसान भाइयों को संबल प्रदान करना होगा कि वो अपने सब्जियों का, अपने फलों का, अपने अनाज का प्रोसेसिंग करें और सीधे हमारे मार्केट तक आए। तो हमें एक नया कॉन्सेप्ट, जैसे हम कहते हैं ये हमारा फैमिली डॉक्टर है, हमें फैमिली किसान की अवधारणा को पुष्ट करना होगा और हमें लोकल खाना खाना होगा। कल प्रधानमंत्री ने भी कहा है हमें लोकल सोचना है और उसके लिए ओकल होना है। तो आज मैं ओकल होके आपके सामने हूं कि आप अपने आसपास होने वाले खाद्य पदार्थों को ही खाएं, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए आपके हितकर है। तीसरी बात, मैंने हवा की बात कर ली, खाने की बात कर ली, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जल। मैंने कुओं की बात की और बोरवेल की बात की। अब आज की युवा पीढ़ी तो नहीं जानती होगी, लेकिन हमारे साथ वाले और हमसे पहले वाले जानते हैं जब गांव में कुआं होता था और गर्मी में हमें स्नान करना होता था और जब हम श्रम करके पानी निकालते थे तो एक बाल्टी ठंडे पानी से मंत्रित हो जाता था। कब पानी का प्रयोग हुआ और आनंद जाता आया। जाड़े के दिन में गर्म गर्म पानी निकलता था, हम स्नान करते थे। पीना होता था तो श्रम करके पानी निकालते थे तो उतना ही यूज करते थे जितना जरूरत होती थी और पानी की बर्बादी नहीं होती थी। आज बोरवेल के आने से हुआ कि जाड़े के दिन में सुबह सुबह लोगों ने मोटर चलाया, पानी टंकी में गया, एक गरम गरम पानी आ रहा है, लेकिन आप सुबह तो नहा नहीं रहे हैं, आप वेट करेंगे देर तक तो तब तक पानी ठंडा हो गया। अब क्या करेंगे, आप गीजर जलाएंगे और गीजर जला के पानी गरम करेंगे, और जब आप गीजर चलाते हैं तो आप बिजली यूज करते हैं तो कहीं कोयला जलता है और उससे प्रदूषण होता है। तो हमारी जो वर्तमान व्यवस्था है या आदतें हैं वो एक तो अपव्यय की है कि पानी हम बर्बाद कर रहे हैं और दूसरा हम प्रदूषण क्रिएट कर रहे हैं। तो सतत विकास कैसे होगा। कई जगह साउथ में अगर आप जाएं तो एक एक खेत में 16-16 बोरिंग की गई है और किसी बोरिंग से पानी नहीं आ रहा। आखिर इतने हजारों सालों का संचित जल हम इस रेट से निकालेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो आज भी चेतने का समय है, चूंकि ये छोटा छोटा वीडियो डलाना है, मैं बहुत लंबा नहीं कहूंगा। तो आप जल ही जीवन की बात सोचिए, अपने नदियों में एक बूंद भी अवजल जाने से रोकिए, क्योंकि आप जानते हैं कहने को ये धरती ब्लू प्लैनेट है, इसे नीला प्लैनेट कहते हैं जिसमें 75% जल है। लेकिन आपको हम बता दें कि अगर हम एक साइंटिफिक ढंग से बात करें तो अगर पूरा जल, चाहे वो वायुमंडल में हो, चाहे समुद्र में हो, चाहे धरती के नीचे हो, चाहे नदियों में, अगर एक जगह इकट्ठा करके एक गेंद बनाएं तो उस गेंद का डायमीटर केवल 1600 किलोमीटर होगा। आप सोचिए, अब आपको जल कम लगने लगेगा। यहां से बंबई की दूरी का एक गोला बनाएं, पूरी दुनिया का जल उसमें समा सकता है। लेकिन अगर हमें तो वो पीते तो हम केवल मीठा जल है, तो समुद्र के जल से कोई फायदा नहीं है। तो हम बात करेंगे नदियों और झीलों में और ग्राउंड वाटर में कितना पानी है, उसको इकट्ठा करके अगर हमें गोला बनाए तो वो गोला यहां से गोरखपुर की दूरी का होगा 250 किलोमीटर का। देखिए अचानक कितना पानी कम लगने लगा, और फिर अंत में जितनी नदियों को हमने खराब कर दिया है, जितने ग्राउंड वाटर खराब हो गया है, अगर उसको निकाल दें तो वो वाटर का डायमीटर केवल 50-55 किलोमीटर होगा। मतलब बनारस से जौनपुर की दूरी का एक गोला, उतनी में जितना पानी है पूरे विश्व के लिए उतना ही है। अब आप बताइए, जो एजुकेशन का ढंग बदल दीजिए। पहले हम कहते थे 75% जल है तो लोग बर्बाद करते थे, लेकिन जब हम कहेंगे जल बहुत कम है तो लोग जल की महत्ता को समझेंगे। तो हम फिर से निवेदन करते हैं, हम सतत विकास की अवधारणा पर ध्यान दें, हम अन्न उपजाने वाले किसानों की इज्जत करें, हम जल की इज्जत करें, हम वायुमंडल की इज्जत करें, और हम कृषि आधारित उद्योगों पर ज्यादा जोर दें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।